बहुत दिन हम लोग महुआ में रहे, जब भैया परिमाल सिंह ने की बात पर गुस्से में हम लोग को निकाल दिए तो रिजगिरी में रह रहा हूं, और आज रिजगिरी राज दरबार में आज कर्मज में देवा से सवाल करना चाहता है, तो मेरा हुक्म है कि तुम देवा से सवाल कर सकते हो। ठीक है चचा श्री। भाई देवा, भाई उदल, भाई देवा सुनो, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं? क्या सवाल है जी? सुनो। हाँ बाकिया चीज में बढ़ा गेला न देवा, आहो माता गंगिया में। भाई उदल, बढ़ा गेला न देवा, आहो माता गंगिया में। भाई उदल, और की अच्छी जमे बढ़ा गेला, आहो देवा कसी हो, और की अच्छी जमे बढ़ा गेला, आहो देवा कसी हो परिया। अरे भेदवा बता दो हो और हमारा के, भाई उदल क्या चीज में माँ गंगिया बढ़े हैं, क्या चीज में काशी प्रयाग बढ़ गए हैं, ओ मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है सुनो भाई उदल। जोरिया सुनाला, आहो उदल हो बबुआन, आहो जलावा में बढ़ गए जोरिया, आहो माता गंगिया ने, आहो तीरथ में बढ़लान, आ जोड़िया कसी हो परिया, आहो तीरथ में, आ जोड़िया कसी हो परिया, आहो भेदवा बताया था। भाई देवा, जल में बढ़ गए माँ गंगिया ने, तीर्थ में बढ़ गया काशी प्रयाग। भाई देवा, ये तो बता दिया, लेकिन और सवाल है। क्या है? सुनो। बाकिया चीज में बढ़ा गेला न देवा, भाई उदल, आहो भाभी सोनावा में, बढ़ा गेला न देवा,
आहो भाभी सोनावा में भाई उदल आरे किया चीज में बढ़लान भैया यलहादी सरद आरे किया चीज में बढ़ा गेलान भैया यलहा हो सरदार अरे भेदवा बता दे हो हमारा के देवा ये बताओ एक कथिया में बढ़ गेलन भाभी सोना में क्या चीज में बढ़ गेलन भैया अल्हा सरदार साला भाई उदल जोड़िया सुनला आहो उदल हो बबुआन आहो जदुआ में बढ़ गए जोड़िया भाभी सोनावान क्या भाई देवा आहो बुधिया में बढ़लान आ जोड़िया अल्हा हो सरदार आहो बुधिया में बढ़ गए आ भैया अल्हा जी सरदार आहो भेदवा बताया था भाई देवा जादू में भर गए भाभी सोना ने बुद्धि में भर गए भैया अल्हा सरदार ओहो ए में बता दिया है लेकिन और सवाल है और क्या है सुनो आ किया चीज में बढ़ा गेलन देवा आहो माता दिवाला में भाई चल चीज में बढ़ा गेला न देवा आहो माता दिवाला में भाई उदल आरे किया चीज में बढ़ा गेला न आ मामा महिला हो सरद आरे किया चीज में बढ़ा गेला न अरे मामा महिला हो सरदार अरे भेदवा बता दे हो हमारा के सरदार
राजा भाई देवा भाई उदल ए बताओ क्या चीज में माँ दिवला बढ़े हैं क्या चीज में बढ़े मामा महिल सरदार जो मैं जानना चाहता हूँ सुनो भाई उदल जोड़िया सुनला आहो दिलाबा के हमारा बात आहो सतावा में बढ़ गए जोड़िया आहो माता दिबला ने भाई देवा आहो चुगली में बढ़ गए आहो चुगली में बढ़ गए आमा महिला सरदार आहो चुगली में बढ़ गए आमा महिला सरदार आहो भेदा बताया था में बढ़ गए माता दिवला ने चुड़ी चुगली में बढ़ गए माहिल सरदार मैं तो सोचता था कि पंडिताई धर्म नाश हो चुका है लेकिन नहीं भाई देवा अभी पंडिताई को तेलों के सत्य बच रहा है चचा श्री भाई देवा से मैंने जो जो सवाल किया वो सवाल की जवाब दे दिया मैं तो सोचा था कि भाई देवा नहीं बताएगा लेकिन अभी भाई डेबा में सत बच रहा है तो बेटे रुदल बेटा अल्लाह सरदार मलखा डेवा प्रतिदिन मैं बनारस में रहा करता था तो मैं प्रतिदिन बनारस दरबार में नृत्य कला में देखता था लेकिन मैं मोहवा से रिजगिरी तेरे पास आया हूँ तो आज मैं रिजगिरी में भी कोई सुंदर नाचने गाले वाले नर्तकी से मुजरा कराओ मैं देख कर मैं बहुत आनंद उठाऊंगा दरबानी बहादुर ए हमारा चचा श्री के ए शौक हो रहा है बहादुर जी कि नाच गान मैं सुनूंगा आओ मुजरा भी सुनूंगा तब मुझे दिल दरबानी एक काम करो जाओ सुनो बहादुर जी नाच को ठीक करो जो नाचने गाने वाली अच्छी होगी जो मोजरा में नाचती है जी पहिलका नाच पिछला नाच नहीं पहिलका नाच जी वही आदमी के करो कि ताकि हमारा चचा जी के दिल खुश हो जाएगा बहादुर आई मालिक क्या तब जनाऊ तीन दिन लगती समय जाय में कहाँ जाएगा रे एजा पर जाय के है नालंदा जिला सतबरही धर्मपुर एक बस्ती सरकार वहाँ बाबू बखोरी राय के यहाँ निमन निमन नाचने वाली रहती है वहाँ जाए में 500 रुपया भाड़ा लगतो तो बहादुर ही बताओ जी कि कैसे होगा ये चचा जी के भी दिल में शौक है कि हम मुजरा सुनेंगे बहादुर अब तू कह रहा है कि बहुत दूर में बसते हैं बखोरी बाबू लेकिन ये बताओ कि मुजरा कैसे होगा होते कैसे एगो कहावत है मालिक जी कि बुद्धि से बकरी 3 बच्चा बिया है बच्चा वो तो है। सुना कह देना बुद्धि से बकरी 3 बच्चा बिया है लेकिन उतना को जानवर है जे 1 बच्चा बिया है वो कैसे बहादुर वो कैसे जी सुन ला हाँ बताओ इन्हें आवा अब जमाना कौची के हो गई अरे बताओ ना मोबाइल के ओहो हाँ बहादुर अब तो मोबाइल के जमाना हो ही चुका है बुद्धि से होने का काम बच्चा बुतरू सब ले रहता है बहादुर बूढ़ा बूढ़ी सब मोबाइल ले रहता है लाल जारी को गेंतर वो पर रहा है जे ओरा मोबाइल वो चालू कर दे है ता खेला या बंद कर दे है ता रोवे लगा है हां बहादुर ठीक कहा था आई मालिक मोबाइल वो में मांगा है ना मुन्ना म्यूजिकल बखोरी राय हां
अमर नमर सब चलो भाई एक क्या गुल्ला। अरे तो मांग के डायल करके अब बात करके तू नाचने गाने वाले के बुलाबो। बुला लियो। हाँ बुलाबो। आई मालिक के तारीख वाला बोलेबो बहादुर ये तो 15 तारीख साढ़े पंद्रह साढ़े पंद्रह साढ़े पंद्रह ठीक है बहादुर बुलाबो बुलाबो। हाँ बुलाबो फोनमा लगा हो इक्यानवे पैंतीस तेईस जीरो चौवन छो जी। हेलो हेलो कहाँ लगा जी? ये तो मछली मार्केट लग गया है। बोलिए के कुंटल मछली चाहिए? बोलिए गराई बोवारी पोठिया टेंटा सब मिल जाएगा। ठीक है मालिक जी से पूछ लेता हूँ, जल्दी कीजिए और भी ग्राहक आ गया है। मालिक जी टेंगरा लाइयो कि मांगुर लाइयो कि जासर लाइयो जी? अगर भैया तुम्हें मछली लाने के लिए मैं कहा कहा था? अरे मछली नहीं, सुंदर नाचने गाले बाले के नृत्य करने के लिए मैं बुलाया बुलाने के लिए कहा था। हम कही कि नाचने वाली आई थी तो मछलियाँ खाई जे चल। अच्छा लगा भैया फिर से ठीक से लगा भैया, लेकिन कुहवा लगा लो लगा टबर में इन्ने हो जाए। 62045 23896 जी। हेलो हेलो कौन जी? कहाँ लगा जी? ये तो मुर्गा फार्म लग गया है। मुर्गा 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 क्या कुंटल मुर्गा चाहिए? बोलिए। हाँ 120 रुपये मेरा भैया ले जाइए। 120 रुपये? हाँ जल्दी बोलिए क्या कुंटल चाहिए मुर्गा? ठहरिए ना मालिक जी से पूछने दीजिए ना। अब पूछिए जल्दी बताइए ना मालिक जी। बोलो बहादुर। आई मालिक खांसी के मीठ लइयो कि मुर्गा लइयो? उतना कस के मारबू जी। ते में मुर्गा फार्म नहीं लगाओ बहादुर, कभी मछली मार्केट लगा देता है कभी मुर्गा फार्म लगा देते हो। अरे नाचने गाने वाले ही बाबू बखोरी बाबू ही फोन करो। अच्छा अभी देखिए लगा के 91 35 23 0 54 6। हेलो हेलो। हाँ कौन जी? कहाँ लगा जी? ये तो बखोरी राय नाच प्रोग्राम पार्टी में लगा हुआ है। आप कौन? मुन्ना भैया। हाँ राम राम दोस्तवा। राम राम भाई जी। बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं? ए भैया बोलिए। हम राजगिरी से बोल रहे लिए। अच्छा राजगिरी कनवज के बगल में है जहाँ से? हाँ हाँ हाँ। ए भैया। हाँ बोलिए। हमरा दो गो नाचने वाली चाहिए, अगर जो इमरजेंसी में एक को बैठा दे तो काम चल तो। हाँ मोजरा वाली मोजरा वाली ठीक है, नाचने वाली जा रही है। कितना पैसा लगता है? एक का लग जाएगा 5000। ये 5000? हाँ। अच्छा तो ये बताबा कि एगो सोनवा खाली हटा दे हूँ ना, ज्यादा बिनती तो नहीं है हो? सुनना घटाने से सोना जैसा भाव घट जाएगा ना, इसलिए नहीं घटेगा। तो ठीक है जल्दी पठावा था। हाँ जहाँ नाचने जा रही है वहाँ का फरमाइश है कि होली होना चाहिए। होली? हाँ हाँ भैया हाँ होली होली होली। हाँ तो होली वाला डांसर जा रही है जो सहरसा मधेपुरा से आई है। हाँ भेजा। चलिए ऑपरेटर भैया होली वाला थोड़ा रेल दीजिए। महाराज सोलो बंदी आ भैया ले बंगालावा दासी। अच्छा आवारा है मरदो का आ भैया ले बंगालावा दासी आवारा है मरदो का। क्या महाराज? आब जनानी कहे ऐला हमार बंगालावा पराया। अच्छा और जनानी कहे ए बाली बंगालावा हमार यार। अच्छा अरे ये बंगला है जी हमारे दो का महाराज।
अच्छा सोनू दासी क्या ए बंगला है ए छतरी मर्दों का बंगला है तो जनानी होकर ए बंगला पर किस लिए आए हो क्या महाराज रानी याद कर है महाराज रंग महल में महाराज इंदल पगला गए है महाराज क्या दासी क्या बोल रहा है भैया सरदार जी पागल हो गए हैं क्या बेटा इंदल पागल हो गया है हाँ महाराज इसलिए महारानी बुलाए हैं महाराज सरदार जी एक तो बांदी पगला चुका है क्योंकि बेटा इंदल वो पागल कैसे हो सकता है बेटा रुदल बांदी झूठ खबर लेकर नहीं आ सकती है जरूर बहुआ सोना इसे कहा है तो आई है इसलिए हम लोग को इस समय बांदी के साथ रंग महल को चलना चाहिए और रंग महल को समाचार लेना चाहिए हाँ हाँ चचा श्री सोने चचा श्री बेटा रुदल आवाज लादी से चाला चाचा जी बेटा रुदल आवा राज महला में आवा जलदी से चाला चाचा जी आवा आज महलों में आर जैसल के खबर चा चले भई हम याद आर कैसन खबरिया बेटा इंदल के रहल जी हमार आर जल्दी से चला जिया श्री बेटा रुदल भैया जी इस समय जल्दी से चलिए और महल में जाके सब मिलके देखिए कि बेटा हमारा इंदल कैसा है ठीक है चला जाए चलो बांदी चलो चलो बांदी चलो महारानी जी के करतब प्रणाम सब आ गए महारानी जी भाभी जी को प्रणाम करता हूँ भाभी के प्रणाम करता हूँ भाभी जी क्या सोनिए भाभी जी ठीक है बांदी तू जा सकती हो बंगाली बाबू आवा कैसन तारा हलाना भाभी जी आवा बेटा इंदला में आवा कैसन जरा हलाना भाभी जी आवा बेटा इंदला में आज बांदी से खबरिया भाभी बंगाला देला जी हमार
आज बांदी से खबरिया बंगालवा देला जी हमर आज कैसने कुशलिया है बेटा इंदाला के भाभी जी ए बांदी से राज बंगले पर खबर पठाए थे और बांदी कह रहा था कि बेटा इंदल पगला गया है इसीलिए आपको भाभी जी बुलाए हुए हैं राजमहल में। क्या कारण है भाभी जी? देवर जी सात समुंदर गंडक पार सिंगल एक दीप को रहने वाली सिरांश के बेटी लिखा इन्हें आकर आधीमी सी रात में मेरे बेटा को सोए हुए अवस्था में आकर साढ़े तीन फेरा करके चला गया है। जब से नल उसी को आदमी पागल हो गया है। क्या भाभी जी सात समुद्र गंडक पार सिंगल दीप का राज है जहां का राजा को मैं जानता हूं उसे नाम श्री नाग सिंह है। क्या श्री नाग सिंह है? उसी का बेटी पद्मिनी लेखा कुमारी क्या रईस गिरी में आधी मिसी रात में आई थी। मैं कैसे कर सकता हूं? साले तीन फेरा देकर चली गई। ये कैसे हो सकता है? इसलिए बेटा बेटा वो जादू नगरी है इन्नल होश नहीं है जब ने तब उसी को नाम लेता है और पागल की तरह करता है। रानी रेखा बेटा इंदल रानी रेखा बेटा मैं आ रहा हूँ रानी रानी मैं आ रहा हूँ रानी हमें तुमसे जरूर शादी होगा रानी रानी बेटा शादी होगा रानी हमसे तुमसे शादी होगा रानी। ये देखो कभी बेटा इंदल हंसता है कभी रोता है चचा श्री मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेटा इंदल मालिक हमरा लगो ये जीता भूत धैले है को। चंडाल जीता भूत होता है रे चचा श्री। बेटा इंदल सुनिए सजदा आज राजा जिगिरी से आज सरदा आ बरतिया चाचा जी आज राजा जिगिरी में आज सदिया करादा रानी अरे खसे जी हमार बेटा इंदल आज सदिया करादा रानी रे खसे जी हमार आज सजदा बरती आज आज रानी आज रे खसकारी दहमार
जी। बेटा इंदल चचाश्री ए तू क्या बोल रहा है बेटा इंदल? राजगिरी से हमें बरात सज साज कर और सिंगल दीप हमें लेकर चलिए और रानी हमारे रेखा से मुझे ब्याह करा दीजिए। क्यों ना बेटा इंदल? क्योंकि हमें 3.5 फेरा देकर चला गया और भी बात उसमें लिखा है पिताश्री, इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि आधा शादी हमसे कर कर गई है और आधा शादी उसने बोला है कि तुम असल का जना होगा तो मैं आधा फेरा मैं तुमसे कर कर जा रहा हूं, अगर तुम असल का जन्म होगा तो तुम पूरा फेरा तुम आकर सिंगल दीप में पूरा लगा सकते हो, अगर तुम्हें रंडी भड़ुआ का जना होगा तो अपने राजगिरी में रह सकते हो। क्या ऐसा बात है बेटा इंदल? हाँ पिता चचाश्री। बेटा सुनो, ये सब जो बात है इस सभी बातों की छोड़ दो बेटा इंदल।